मनोज वहां मौजूद है। मनोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, होशंगाबाद में अभी 10 बज गए हैं, किस तरह का उत्साह वोटर्स में और कैसा वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है? अच्छा खासा नेहा, आप देख सकती हैं, मैं कतार दिखाना चाहूंगा कि इतनी लंबी भीड़ लोग देखिए कि एक कतार में फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और एक छोटा सा बच्चा मैं आपको दिखाऊंगा कि माँ इतनी लंबी कतार है और जो माँ अंदर वोट देने गई हुई और अपने पापा के पास, पहले पिता बाहर खड़े हुए हैं पेड़ की छाया में और माँ अंदर जाकर वोट दे रही है और बच्चे को साथ लेकर वो खड़े हुए हैं। और यहाँ प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि यहाँ पर सामने जो टेंट लगाए हुए हैं वो दूरी पर लगाए हुए हैं और जो पोलिंग सेंटर है उसके सामने 40 डिग्री के टेम्परेचर पर लोग, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, फर्स्ट टाइम वोटर कौन है? पहली बार के वोटर हैं आप? ये चारों लोग देखिए, चारों लड़के पहली बार वोट दे रहे हैं और धूप में तकरीबन एक घंटे से खड़े हुए हैं। इतनी धूप में इतने परेशान होकर वोट देना, पहली बार का उत्साह है? बहुत है, बहुत उत्साह है। क्यों? इलेक्शन सरकार चुननी है, लोकतंत्र का हिस्सा है। आप जब वोट देने जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो इसमें दिमाग में क्या चल रहा है? सर दिमाग में तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब जो वोट के काबिल है सर, वोट तो उसको ही दिया जाएगा। पर धूप का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कत जा रही है, लेकिन वोट तो देना जरूरी है। काबिलियत का पैमाना क्या है आपका? काबिलियत का पैमाना ये, अब हम जो इतने साल से देख रहे हैं जो चल रहा है देश में, क्या इस हिसाब से वोट देना पड़ेगा। इस हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है, बातें इशारों में ही करिएगा, ठीक है। आपको आपको क्या लगता है, आपकी वोट जो है वो कैसे मजबूत होती है? ये देखिए News 18 इंडिया की खबर का थोड़ा सा असर। अब जाकर यहाँ वोटर परेशान थे और अब इनके लिए यहाँ पर टेंट लगाया गया है, तुरंत कनात लाई गई है और सारे लोगों को, जो वोटर्स जो मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र को यहाँ पर खड़े हुए थे, उनके लिए छाए। देखिए लोकतंत्र मजबूत होता है, आवाज उठाई है आपने और छाए आ गई। बिल्कुल सर, सुबह 7:30 बजे से खड़े हुए हैं और धूप बहुत हो रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है। इस कारण क्या भाई, मतलब बहुत अच्छा हुआ कि हमारी फैसिलिटी हो गई, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं। तो News 18 इंडिया से कुछ कहोगे देश के लोगों को पता चले? जी सर बिल्कुल, थैंक यू News 18 इंडिया, आपने जो व्यवस्था करा दी हमारे लिए और आगे आने वाले सभी लोगों के लिए व्यवस्था हुई है। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब जो सबसे अहम बात है, हम आपसे पूछते हैं, आप जो अंदर वोट देने जा रहे हैं, तो आपका वोट डालते समय एक महिला होने के नाते आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं, मैं यही सोच रही थी कि किसको वोट डालूं, क्या करूं। वैसे मेरे हिसाब से, मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि आपका वोट डालते समय आपके मुद्दे क्या है? सर मेरे मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है। महिला सुरक्षा? जी हाँ, महिला सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, यही सब है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं अंदर दिखाऊंगा आपको, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर होशंगाबाद में, लोगों में खासा उत्साह है। और जो ये इसलिए भी मायने रखती है ये सीट, क्योंकि ये अमूमन मानी जाती है बीजेपी का किला है और पिछली बार बीजेपी ने इसे 3.5 लाख ज्यादा से जीता था और इस बार मगर मुकाबला दिलचस्प है। बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला होगा। मनोज आगे मैं आपका रुख करूंगी, एक बार जल्दी से फिर से जावेद का हम रुख करना चाहेंगे। जावेद जो